Good morning, dear students. Today, I am explaining chapter number 2 of the short story, The Astrologer's Day. The astrologer felt very uncomfortable. यानी जो एस्ट्रोलॉजर ज्योतिषी के पास एक कस्टमर जो आता है रात के टाइम पर, लास्ट टाइम जब वो जा रहा होता है, तो उसको देख के जब वो लाइट में दूसरे की लाइट जो जल रही थी, एक मूंगफली वाले की, उसकी लाइट में उसका फेस देख के, और या जो एक गाड़ी लाइट कि कोई जो गाड़ी जाती है वहाँ से जब उसकी लाइट पड़ती है उसके फेस पर, तो वो पहचान लेता है और बहुत ही अनकंफर्टेबल फील करता है. क्यों करता है उस कस्टमर को अनकंफर्टेबल देख के? अब इसका कोई तो रीज़न होगा, आगे एक्सप्लेन करेंगे. हियर टेक योर आना बैक. क्या कहता है उसे कस्टमर से? ये लो अपना आना जो उसने एक क्वेश्चन के आंसर के लिए दिया था, ये लो अपना पैसे वापस. आई एम नॉट यूज टू सच चैलेंज. मुझे तुम्हारा कोई चैलेंज एक्सेप्ट नहीं है. यानी मैं तुम्हारा कोई चैलेंज एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ. मुझे तुम्हारा कोई भी चैलेंज एक्सेप्ट नहीं है. कौन कहता है ये? एस्ट्रोलॉजर कहता है. नॉट यूज सच चैलेंज. इट इज़ लेट फॉर मी टूडे. मुझे बहुत देर हो रही है, मैं तुम्हारा कोई चैलेंज मुझे नहीं करना. ये लो अपने पैसे और मैं जा रहा हूँ. ही मेड प्रिपरेशन टू बंडल अप. वो क्या कहता है? अपनी वो सामान को बांधने की तैयारी करता है, जो भी उसके सामान थे. द अदर हेल्ड हिज रिस्ट एंड सेड. और अपनी दूसरी तरफ अपनी घड़ी की तरफ देखते हुए कहता है, यू कांट गेट आउट ऑफ इट नाउ. वो क्या कहता है? तुम अभी नहीं जा सकते कस्टमर. यू ड्रैग्ड मी इन वाइल आई वॉज पासिंग. द एस्ट्रोलॉजर शिवर्ड इन हिज ग्रेप. वो क्या कहता है जो वहाँ से? यू ड्रैग्ड मी इन वाइल आई वॉज पासिंग. मैं यहाँ से गुजर रहा था और तुमने मुझे सोचने पर, यानी यहाँ वो क्यूरियस था अपने बारे में जानने के लिए, लेकिन वो तो डर की वजह से एस्ट्रोलॉजर क्या कर रहा था, उसके हाथ पैर भी कपकपा रहे थे. क्यों? शिवर्ड हो रहा था, ग्रिप यानी पकड़ ही नहीं पा रहा था अपने सामान को उसकी, उसको देख के. एंड हिज वॉइस हुक एंड बिकेम फेंटेड. और उसकी आवाज़ कपकपा रही थी बोलने में, और ऐसा लग रहा था जैसे बेचारा उस कस्टमर को देख के बेहोश हो जाएगा वो एस्ट्रोलॉजर. क्यों? कोई रीज़न था, अभी आगे एक्सप्लेन करेंगे. लीव मी टुडे. अरे मुझे आज छोड़ दो भाई, मुझे नहीं बताना तुम्हारे बारे में कुछ भी, और मुझे लेट हो रहा है, मैं जा रहा हूँ. आई विल स्पीक टू यू. मैं कल तुमसे बात करूँगा. यानी वो बहाना बना के वहाँ से भागना चाहता था उससे दूर. द अदर ट्रस्ट हिज पाम इन हिज फेस एंड सेड. यानी द अदर ट्रस्ट हिज, वो अपनी हथेली को देखते हुए उस पर यकीन करता है. फेस एंड सेड चैलेंजेस. क्या कहता है वो उस एस्ट्रोलॉजर से जो कस्टमर था? चैलेंज तो चैलेंज है, अब तुम ऐसे नहीं जा सकते. गो ऑन, कंटिन्यू करो अपना, और मैं जो भी क्वेश्चंस करूँगा तुम उसके आंसर दोगे, और मैं तुम्हें एक क्वेश्चन के आंसर के बदले में एक आना दूंगा. ये तुमने डिसाइड किया था, अब तुम कैसे जा सकते हो? गो ऑन. आई गो ऑन. द एस्ट्रोलॉजर प्रोसीडेड विद हिज थॉट ड्राइंग अप. देयर इज अ वुमेन. वो क्या, अब क्या करता है? कोई ऑप्शन नहीं था उसके पास एस्ट्रोलॉजर के, वो आगे कंटिन्यू करता है अपना. देयर इज़ अ वुमेन. स्टॉप सेड द अदर. आई डोंट वांट ऑल दैट. यानी वो यहाँ पर एक औरत है, और स्टॉप करो सेड द अदर. वो दूसरे से कहता है, यानी उसकी बात इग्नोर करता. आई डोंट वांट ऑल दैट. मुझे इससे कोई मतलब नहीं है कि हाँ वुमेन है या जो भी है. हम जो भी हमारा जो डिसाइड हुआ था बात करने का, तुम उस चैलेंज को पूरा करो. शैल आई सक्सीडेड इन माई प्रेजेंट सर्च और नॉट. वो कहता है मैं हो पाऊँ या नहीं अपनी जिसे मैं यहाँ पर ढूंढने आया हूँ, क्या मुझे सक्सेस मिलेगी उसको ढूंढने में? वो कस्टमर कहता है ये चीज़ किससे? एस्ट्रोलॉजर से. ये क्वेश्चन पूछता है कि जो इस सिटी में जिसे मैं ढूंढने आया हूँ, क्या वो मुझे मिलेगा? ये क्वेश्चन पूछता है. आंसर दिस एंड गो. अच्छा, इसका आंसर दे दो और चले जाओ यहाँ से, एस्ट्रोलॉजर से पूछता है. अदरवाइज आई विल नॉट लेट यू गो टिल यू डिसगोर्स ऑल योर कॉइंस. वो क्या कहता है? अगर इसका आंसर नहीं दिया ना तुमने, तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने भी नहीं दूंगा. जितने सारे तुम्हारे पैसे हैं सब छीन लूँगा. कस्टमर द एस्ट्रोलॉजर मटर्ड अ फ्यू. पहले तो वो थोड़ा मटर्ड यानी धीरे धीरे बड़बड़ाता है उससे. इनकेंटेशन एंड रिप्लाइड. तो फिर उसका जवाब देता है, ऑल राइट, ठीक है, चलो मैं तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर देता हूँ. आई विल स्पीक बट यू विल गिव मी अ रुपी इफ आई वॉट आई से इज कन्विंसिंग. अच्छा ठीक है, अभी तो हम दोनों में ये डिसाइड हुआ था एक आंसर के बदले एक आना. अगर मैंने तुम्हारी बात का सही जवाब दिया तो तुम मुझे क्या दोगे? अब 1 रुपी.
सही आंसर पर तुम मुझे 1 रुपी दोगे, अदरवाइज आई विल नॉट ओपन, नहीं तो मैं अपना मुंह नहीं खोलूंगा और एक भी आंसर नहीं बताऊंगा, एंड यू मे डू वॉट डू, और तुम्हें जो करना है कर लेना, उससे कहता है एस्ट्रोलॉजर। आफ्टर अ गुड डील ऑफ हैंगिंग द अदर एग्री, अच्छा ठीक है दोनों के बीच ये एग्रीमेंट हो जाता है, तैयार हो जाते हैं, ठीक है तुमने अगर राइट आंसर दिया तो मैं तुम्हें पर आंसर का 1 रुपी दे दूंगा। द एस्ट्रोलॉजर सेड यू आर लेफ्ट फॉर डेड, आई एम राइट, यानी वो क्या कहता है एस्ट्रोलॉजर, अब उसे आंसर क्या देता है, यू आर लेफ्ट फॉर, यानी तुम्हें तो मरा हुआ समझ के छोड़ दिया गया था, एम आई राइट, क्या मैं सही जवाब दे मेरा ये, उसका जो आंसर देता है तुम्हें तो किसी ने मरा हुआ समझ के छोड़ दिया था ये, अब वो तो थोड़ा सरप्राइज हो जाता है, ओह टेल बी मोर, वो कहता है कस्टमर, अच्छा ठीक है मुझे थोड़ा और बताओ इसके बारे में। ए नाइफ हैज़ पास्ड थ्रू यू वंस, एक बार तुम्हारे अंदर एक किसी ने चाकू मार दिया था, सेड द एस्ट्रोलॉजर ने कहा, गुड फेलो, कहता अच्छा तुम्हें तो वाकई में बहुत नॉलेज है, तुम्हें तो तुम तो बिल्कुल मेरे बारे में सही बता रहे हो, ऐसा ही हुआ था, किसी ने मुझे मरा हुआ समझ के छोड़ा था और किसी ने मेरे अंदर एक चाकू भी मारा था। ही वेयर्ड हिज चेस्ट टू शो द स्कार, वो जो वॉट एल्स, यानी उसके पास अब इसके अलावा कोई चारा नहीं था, वो उसने अपना जो चाकू से नाइफ से जो निशान बना हुआ था मार्क, उसे दिखाने के लिए वो करता है, किसको दिखाने के लिए, उसको एस्ट्रोलॉजर को। एंड देन यू वर पुश्ड इनटू अ वेल नियर बाई इन द फील्ड, और क्या आंसर देता है, और तुम्हें किसी ने धक्का दिया था कहाँ पर, फील्ड में, खेत में। यू वर लेफ्ट फॉर डेड, और तुम्हें किसी ने मरा हुआ समझ के छोड़ दिया, चाकू मारा और फिर धक्का दे के वहाँ खेत में गिरा के किसी ने तुम्हें मरा हुआ डेड समझ के छोड़ दिया था। आई शुड हैव बीन डेड इफ सम पासर बाई एंड नॉट चांस टू पीप इन टू द वेल, यानी तो किसी ने तुम्हें वहाँ निकलने वालों ने ही बचाया था डेड समय, यानी वहाँ पर जो रास्ते में जो जा रहे थे किसी लोगों ने उसे देखा और वहाँ से एक्सक्लेम द अदर, और आगे तुम और आगे एक्सक्लेम करो, यानी मुझे थोड़ा और आगे इसके बारे में बताओ। द अदर ओवरवेल्म्ड बाय एंथुजियाज्म, व्हेन शैल आई गेट एट हिम, अच्छा वो कहता ठीक है तुमने इतना तो बता दिया किसी ने मुझे मरा हुआ समझ के, तो फिर ये बताओ मैं यहाँ कैसे आ गया, मैं तो जिंदा हूँ, मैं यहाँ आया कैसे। ही आस्ट क्लेंचिंग हिज फिस्ट, यानी वो अपनी मुट्ठी दिखा के आगे करके उसको कहता है तो ठीक है ये बताओ इसके आगे, तो ये बताओ मैं जिंदा हूँ, तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, मैं कैसे जिंदा हूँ। इन द नेक्स्ट वर्ल्ड आंसर द एस्ट्रोलॉजर कहता है, इन द नेक्स्ट वर्ल्ड, तुम तो दूसरी दुनिया से आए, उसे भूत प्रेत यानी क्या समझता है। ही डाइड फॉर मंथ अगो इन फार ऑफ टाउन, यानी ही यानी तुम, उससे मतलब है ये यहाँ पर जो कस्टमर था कई महीनों पहले एक टाउन में तो मर चुके थे। यू विल नेवर सी एनी मोर ऑफ हिम, उसके बाद तुम्हें किसी ने कहीं देखा ही नहीं, तुम तो मर चुके थे। द अदर ग्रोंड ऑन हियरिंग इट, द एस्ट्रोलॉजर प्रोसीडेड गुरु नायक, यानी वो अब बता देता है कि किसने मारा था तुम्हें चाकू, गुरु नायक उसका नाम था। यू नो माई नेम, यानी उसका नाम बताया है, उसका कस्टमर का नाम गुरु नायक, यानी तुम मेरा नाम जानते हो, वो पूछता है। द अदर सेड टेकिन अ बैक, ओके तुम मेरा नाम जानते हो। एज आई नो ऑल अदर थिंग, जैसे बाकी की चीज़ें जानी वैसे ही जान गए ये गुरु नायक। लिसन केयरफुली टू वॉट आई हैव टू से, अब ये सुनो मैं तो तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ, लेकिन अब आगे सुनो आगे क्या कहना है मुझे। टेक द नेक्स्ट ट्रेन एंड बी गॉन, अब इसके बाद हैव टू से योर ब्लेज इज 2 डेज जर्नी ड्यू नॉर्थ ऑफ इस टाउन, यानी तुम्हारे गांव की यहाँ से लगभग 2 दिन की जर्नी है, नॉर्थ की तरफ है तुम्हारा गांव। अब तुम्हें करना क्या है, इतना मैंने सही बताया तो मैं आगे भी सही बता रहा हूँ तुम्हारे बारे में, और आगे क्या करना है, टेक द अगली ही ट्रेन, अब तुम मुझसे बातें कर रहे हो, इसके बाद में जो भी तुम्हारे गाँव के लिए नेक्स्ट ट्रेन जो जा रही है उसे पकड़ो। आई सी वंस अगेन ग्रेट डेंजर टू योर लाइफ, अगर तुम यहाँ जरा भी रुके तो तुम्हारी जान को बहुत बड़ा खतरा है यहाँ पर। लाइफ यू गो फ्रॉम होम, यहाँ से तुम अपने घर चले जाओ। ही टुक आउट अ पिंच ऑफ सैक्रेड एस एंड हेल्ड इट, और क्या करता है वो थोड़ा ये दिखाने के लिए कि वो एस्ट्रोलॉजर है, उसे बहुत सारी नॉलेज है, तो थोड़ी सी राख लेता है पिंच एक चुटकी भर और उसको एक टीका लगा देता है, यानी माथे पर तिलक कर देता है उस राख का। रब इट ऑन योर फॉरहेड, और इसे अपने माथे पर लगा लो। एंड गो होम, और अपने घर चले जाओ यहाँ से, तुम्हारी लाइफ को यहाँ पर डेंजर है। नेवर ट्रेवल साउथवर्ड अगेन, और इस तरफ इस सिटी में दोबारा से कभी मत आना। एंड यू विल लीव
टू बी अ हंड्रेड, यानी जल्दी से जल्दी, यानी सैकड़ों, यानी लू भी यहाँ अगर तुम रहे तो तुम्हारी लाइफ को डेंजर है, जल्दी जितना पॉसिबल है तुम यहाँ से जल्दी चले जाओ। नेक्स्ट, वाई शुड आई लीव होम अगेन, वो क्या क्वेश्चन करता है, ये बताओ मैं घर यहाँ से क्यों चला जाऊँ। द अदर सेड रिफ्लेक्सिवली, आई वॉज ओनली गोइंग अवे नाउ एंड देन टू लुक फॉर हिम एंड टू चोक आउट हिज लाइफ इफ़ आई मेट हिम। वो क्या कहता है, मैं यहाँ से जल्दी क्यों चला जाऊँ, मैं जिसके लिए आया हूँ वो तो मैं करूँगा, जिसने मुझे मारा था मैं उसे ढूंढने आया हूँ, अगर वो मिल गया मुझे तो मैं उसे मार के ही जाऊँगा यहाँ से। ही शूक हिज हैड रिग्रेटफुली, ही हैज एस्केप्ड माई लाइफ। वो कहता है, वो बड़े गुस्से में कहता है, मैं नहीं जा सकता जब तक मैं जिसे ढूंढने आया हूँ और उसे मार के ही तभी जाऊँगा। तो जो एस्ट्रोलॉजर था वो थोड़ा डर जाता है। और तो नेक्स्ट आई विल एक्सप्लेन नेक्स्ट पेज इन नेक्स्ट वीडियो। ओके।